दोस्तों मुझे आप लोगों से क्वेश्चन पूछने, सबसे पहले तो जोहार प्रणाम राम राम और मिनी ब्लॉग में मैं स्वागत करती हूँ, हम दोनों स्वागत करते हैं। 8 बजे तक किसका किसका कपड़ा खींचना हो जाता है, घर का सारा काम हो जाता है, टिफिन पैक हो जाती है और हम लोग यहाँ आ जाते हैं और पानी मार के वॉकिंग चालू हो जाती है। ये देखिए आप लोग के जीजाजी भैया जो भी लल्लन टॉप एकदम तैयार है, इधर से पूरे कपड़ा धुल के रेडी है। गणेश जी तो हमारे हमेशा रेडी रहते हैं, चले वॉकिंग कीजिए ना। तो दोस्तों आज दिखाने का कारण है कि सुबह सुबह हम लोग ऐसे डेली वॉकिंग करते रहते हैं दोनों एक साथ, है ना। देख आज गजब स्मार्ट लग रहे हो लेकिन सच में गणेश जी, ओ क्या बता तारीफ करूं मैं किसी की। तो दोस्तों देखिए इधर से हम सुबह सुबह अपने प्लाट पर आ चुके हैं और देखिए अभी सिर्फ 8 बजे है सुबह के, देख सकते धूप बहुत तेज हो चुकी है क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है। 2-3 दिन पहले बारिश आई और बाद में फिर अब धूप जो है बहुत भड़क गई। इधर से नई धाम पत्नी कर रही मुझे पता है। सुबह एक तो हमें और गणेश जी बहुत जल्दी उठते हैं, खाना वाना बना के पैक करके और सारे कपड़े इधर ही ला के खींच और इधर से हमने कपड़े भी धोकर रख दिए, पानी भी मार लिया अपने घर पर। 8 बजे तक हमारी अभी वॉकिंग हो रही है दोनों, बिल्कुल कर लीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि धूप का टाइम है तो अभी सुबह सुबह जल्दी सब कर लेना अच्छा रहता है। और 8 बजे अगर इतना धूप है तो आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि दोपहर को क्या हाल होता होगा हम लोगों को। वही तो चलिए। हाँ तो दोस्तों देखिए इधर से हमारी धर्म पत्नी लेकर बैठी केला और जलेबी। हम एक्चुअली सुबह सुबह आज जल्दी आ गए इधर प्लॉट पर जी। और इनकी फेवरेट जलेबी मिल गई रास्ते में, लेकिन बोला जलेबी झिलेनी है। हाँ, केला हम लोग कल खरीद के रखे हैं इसीलिए थोड़ी सी काला टाइप का दिख रहा है, लेकिन कल जितना वो काला रहे उतना अच्छा रहे। हाँ क्या मुझे नहीं पता, केला मतलब मीठा रहेगा अच्छा रहेगा और केला फल है कैल्शियम है खाना चाहिए। फिर जो महिलाएं काली रहती दोस्तों आप लोग से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, मतलब ऐसे आप लोग को फील होती है क्या, मुझे होती है जब घर का सारा काम निपट जाता है तो कौन अपने अपने आप आइए ना तो अपने आप। तो दोस्तों एक दर्जन केला अभी मैं और गणेश जी खा के खत्म करेंगे और कमेंट में बहुत सारे लोगों ने कहा कि केला खिलाइए और क्या क्या फ्रूट खिलाइए, तो सब ये एकदम अच्छा से पढ़ते हैं। चलिए ठीक है आइए ना। तो दोस्तों अभी हम अपने न्यू घर में बैठे, यहाँ पर हमारी धर्म पत्नी कर रही है पलंग पर आराम। कल 2 खटिया ली थी यहाँ पर लगी और अभी अभी जस्ट पानी में मारा है, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था कि यहाँ ये रूम प्लास्टर हो चुका है। और ये बोलती है कि अभी हमको घर ही नहीं जाना, नहीं जाना हमको, डेली किचिर किचिर अच्छा नहीं लगता, मकान मालिक का ये सुनो। तो यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, अभी सिर्फ देखिए प्लास्टर हुआ और अभी पानी भी पूरी तरह से मारना अभी हुआ नहीं। 8-15 दिन तो पानी मारना पड़ेगा, उसके बाद लाइट फिटिंग नल फिटिंग कलर होगा, गेट लगेगा, अभी गेट नहीं लगा इसलिए कि खिड़की के ये लगेगी खिड़की। आप लोग बोलते हो ना ज्यादा टेंशन मत लीजिए, तो यहाँ मुझे टेंशन नहीं आएगी। चलो जल्दी चलते क्या हुआ गणेश जी, इतने घोर चिंतित में क्यों? चिंता में बोले तो अभी देखिए 2 रूम हमारे प्लास्टर हो चुके हैं जी, 2 रूम आप देख सकते हो दोस्तों हमारा प्लास्टर हो चुका है, लेकिन फिर हमारे लेबर लोगों ने किया धोखा। जी जी हमारे लेबर लोगों ने क्या किया कि आज आया ही नहीं है और आपको पता है हम लोग सब बेच बाच के ये घर प्लास्टर करवा रहे हैं, ये देख सकते हैं सब कुछ बेच बाच के। इनसे पूछिए क्या नहीं कर रहे हैं हम दोनों, मतलब सब होता नहीं कि जो हमारे कीमती सामान है एक एक जा रहे हैं, इसका कितना कीमत आएगा इसका कितना कीमत आएगा और मिस्त्री को कल मतलब टोटल पैसा कितना दिए, 29,500 दे दिए, 29,500 दे दिए। 3 रूम प्लास्टर हो रहा है, हमारे साथ ही हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि हम लोग कोशिश नहीं कर रहे कि हमारा काम अच्छा हो बोलने में सज्जन में। 6 टोटल लोग 6 जन है और हम लोग वहाँ रहने के लिए नहीं चाहते। दोस्तों हमारे साथ फिर से हुआ धोखा, पूछिए क्यों। ये रोडी जो था ना, रोडी को हम लोग सोचे थे ये लड़का है ठीक है, इसको हमने पाल लिया। अब रोडी
रोडी का नाम चेंज करके आप देख सकते हो। और ये लोग जाते ही नहीं, जैसे इस मोह माया हम लोग रोडी से बहुत ज्यादा करते, कहाँ बच्चा दिया था ये भी नहीं पता, अचानक से पांच बच्चा लेके, गणेश जी कैसा लग रहा है, पांच बच्चा अपना परिवार लेके आ गई। अभी तीन अभी गया है, हम लोग को देख के तीन भाग गया, ये देख सकते है, ये देखिए कितनी क्यूट चीज, ठीक ठीक सुतो सुतो, वो देखिए वो तो एकदम पूरा रिलैक्स हो गए। रोडी उठाना है जा। बस भी करो, अभी घर बना ही नहीं है, ठंडा ठंडा रेती में मजा ले रहे, वाह रे।